पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है? क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। पाकिस्तान को खुश करो और यहाँ के मुसलमानों का वोट लो। जो बालाकोट एयर स्ट्राइक को बोले थे खाली कबूतर मड़ा था, दो तीन पत्ते गिरे थे। ये लोग राष्ट्र खिलाफ है। ये लोग अपनी फौज की कामयाबी से घबराई हुई है। पाकिस्तान बड़ा खुश होता है जब हिंदुस्तान के लीडर्स इस मसले की बातचीत करते हैं। ये कोई पॉलिटिकल खेल नहीं है कि आप फौज को हमेशा ऐसे उछालें। आपको अपने गिरबान में जान के देखना चाहिए, और अगर फौज की आप इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे को लगता नहीं है कि आप देश की इज्जत कर सकते हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री और तेलंगाना के कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर रेड्डी ने यह वक्तव्य दिया है कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था वो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पता नहीं पुलवामा अटैक उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ, कुछ हुआ भी नहीं, कुछ हुआ कि नहीं हुआ कहा नहीं जा सकता। अब इनका पहले इनका मुद्दा समझिए। मुद्दा इनका है कि फेक नैरेटिव, एक झूठ प्रपंच फैलाओ और लोगों को, वोटर्स को गुमराह कर दो। दूसरी बात, ये जानते हैं कि काबिलियत में मिस्टर मोदी के सामने खड़े नहीं हो सकते, तो क्या करो, यहां के कौन से लोग हैं जो प्रभावित हो सकते हैं? तो पाकिस्तान को खुश करो और यहां के मुसलमानों का वोट लो। चाइना के साथ एमओयू साइन करो और चाइना से फंडिंग लो, और चाइना यहां के लेफ्टिस्ट को बोलेगा कि कांग्रेस को सपोर्ट करो। ये गेम प्लान है। जो फेयर मींस से नहीं लड़ाई जीत सकते, ये अनफेयर मींस से लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो चुकी है, उनको पता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये वही लोग हैं कांग्रेस वाले जो आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोले थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्सिकल स्ट्राइक बोले थे, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक को बोले थे खाली कबूतर मड़ा था, दो तीन पत्ते गिरे थे। ये लोग वो लोग हैं। ये लोग राष्ट्र खिलाफ है। ये लोग राष्ट्रद्रोह करते हैं सत्ता के खोज मोह में। ये बहुत घृणा की का विषय है, और जनता जनार्दन को इनको सही उत्तर देना चाहिए। बड़ी सक्सेस स्टोरीज है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक उरी के बाद में और बालाकोट स्ट्राइक पुलवामा के बाद में। कभी राहुल गांधी और कभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उसको क्वेश्चन करते हैं। अक्सर ऑपोजिशन जो है अपनी फौज की कामयाबी से घबराई हुई है। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि ये इस माफी की स्ट्राइक हुई नहीं, जबकि इसके सब हर प्रकार के प्रूफ भी सरकार दे चुकी है। और पाकिस्तान बड़ा खुश होता है जब हिंदुस्तान के लीडर्स इस माफी की बातचीत करते हैं। हिंदुस्तान की आवाम साफ तौर पर जानती है कि आज अगर देश सुरक्षित है, देश की एकता और अखंडता कायम है, तो गार्डियन एंजल्स इस देश की हमारी सेना है, और उनके ऊपर सवाल करना जो है एक किस्म से अपोजिशन के लिए भारी पड़ेगा। और मुझे पक्का यकीन है कि इसका जवाब जो है इलेक्शन के माध्यम से अपोजिशन को मिल जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो हमेशा जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है, जब हमारे सोल्जर जो हैं वो अपनी जान पे हथेली पे लेके जान निछावर करके और ऐसी कार्रवाइयां करते हैं, उसको हमेशा डाउट करती है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। यही कांग्रेस पार्टी है नेहरू से लेकर आज तक। अगर इनका इतिहास देखें, देश का इन्होंने जो है टुकड़े टुकड़े करके इन्होंने बंटवारा कर दिया है। और चीन को पहले तो एक्साइज चीन जो है सारा इलाका नेहरू जी ने दान कर दिया। उससे पहले जब ये पाकिस्तान ने 47 के अंदर जो कश्मीर घाटी जबरन लेने की कोशिश की, तो यूनिलैटरल सीज फायर चले गए यूनाइटेड नेशंस में, बिना फौज के जो सलाह लिए हुए, बिना हमारे जनरल की सलाह लिए हुए। और आज भी तक ये सारी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो एक नासूर बन के खड़ा हुआ है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए। जब इंदिरा गांधी जी ने जब 71 की लड़ाई में हमने इतनी अच्छी जो फौज ने इतनी अच्छी एक इनको विक्ट्री दी, बांग्लादेश आजाद कराए, 95,000 जो है जो कैदी हैं पाकिस्तान के वो रखे अब बंदी, इंदिरा गांधी ने वो सारे रिलीज करा दिए।
जो हाजी पीर वगैरह था वो भी सब जो जितनी जो जगहें थी वो सारी की सारी वापस दिला दी पाकिस्तान को। हमारा छम का इलाका जो है वो पाकिस्तान से वापस नहीं लिया, वो छम के रिफ्यूजी बना दिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे आज तक उनका पता नहीं लगा कि वो कहाँ है, क्या वो जिंदा है, मर गए हैं क्या है। बार बार उनकी कभी कभी कोई चिट्ठियां आती हैं, उनके घर वाले अभी तक बैठे हुए हैं उनकी इतला के लिए। ये हाल है इंदिरा गांधी का। राजीव गांधी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की फौज को एकदम उन्होंने श्रीलंका में घुसा दिया बिना किसी इंटेलिजेंस के, बिना किसके, और 3000 जो है हमारे जो जवान है वो मारे गए वहां पे। तो ये जो बार बार कांग्रेस का ये बार बार उठाना कि देखिए जी ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है, ये नहीं है, इनको ये समझना चाहिए। अगर डीजीएमओ ने एक बात कही है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं कही, हमारे डीजीएमओ ने ऑन एयर आके कहा, और उसके बाद में हमारे नॉर्दर्न कमांड आर्मी कमांडर ने भी, सबने कहा कि किस हिसाब से ये स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और किस हिसाब से एयरफोर्स ने बालाकोट की स्ट्राइक की है, ये उनको समझना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल खेल नहीं है कि आप फौज को हमेशा ऐसे उछालें। आपको अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए, और अगर फौज की आप इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे को लगता नहीं है कि आप देश की इज्जत कर सकते हैं।